दिल्ली की सरकार जिहड़ी है वह सौंप दित्ती केजरीवाल साहब नूं। अज मैं पंजाब दे विच वी उस तरह का ऐलान करन जा रहा। असी आने वाले कुछ दिनों च पंजाब दे अंदर भी इहो जी हैल्पलाइन शुरू करांगे। 23 मार्च नूं शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव होरां दी बरसी है, उन्हां दे शहीदी दिहाड़े ते मैं एक नंबर हैल्पलाइन दा जारी करूँगा। वो नंबर जिहड़ा है वो मेरा परसनल वट्सएप नंबर होगा। पूरे पंजाब दे विच जेकर कोई थोड़े तो रिश्वत मंगदा है तां इनकार ना करिओ, मना नहीं करना। इहदी वीडियो जां आडियो बना के रिकॉर्डिंग जिहड़ी है उस नंबर ते भेज दिओ। मैं तुहानू गरंटी दिन्ना कि मेरा दफ्तर जिहड़ा वो इहदी पड़ताल करूगा ते दोषी पाए जाणगे। ऑडियो वीडियो जो भी भेजेंगे मैं इस व्हाट्सएप नंबर पर, उसकी मेरा ऑफिस पड़ताल करेगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। पंजाब के लिए बड़ा प्लान ऐलान करते हुए नजर आए भगवंत सिंह मान। पंजाब में जारी होगा एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर, यानी अब सीधे तौर पर इस हेल्पलाइन नंबर पर भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है। तो पंजाब के लिए बड़े प्लान का ऐलान किया नव निर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान, उनका कहना है कि जो एक नंबर है हेल्पलाइन नंबर वो चालू किया जाएगा। मान ने घूस मांगने वालों की शिकायत सीधे इस नंबर पर करने की अपील की। तो पंजाब के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। मान ने घूस मांगने के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर जारी किया, बड़ा ऐलान। और अब से कुछ देर पहले भगवंत मान ने कहा था कि एक बड़ा ऐलान होगा जैसा कि पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि हाँ, ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर कभी नहीं रहा पंजाब में जहां पर घूस मांगने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सके। तो 23 मार्च को यह नंबर जारी कर दिया जाएगा। पंजाब के लिए भगवंत मान का बड़ा ऐलान, मान ने घूस मांगने के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर जारी किया। तो व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं लोग, यह भी बड़ा ऐलान किया गया भगवंत मान के द्वारा। और मुख्यमंत्री पद की शपथ कल भगवंत मान ने ली और आज ये बड़ा ऐलान, घूस मांगने वालों के खिलाफ एक हेल्पलाइन नंबर पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया। क्या कहा उन्होंने सुन लेते हैं। मैं तो आड़ा अपना भगवंत मान, पंजाब दे लोकां ने अपना भगवंत मान पाके अपने हिस्से दी जिम्मेवारी निभा दी है। आपने बड़ी भूमिका के साथ जिम्मेदारी निभा ली और अब मेरी बारी है जिम्मेदारी निभाने की। एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। मैं पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। पंजाब के लोगों को उनकी रोजाना की जिंदगी दे विच बहुत सहूलत मिलेगी, उनकी जिंदगी जिहड़ी है वो सौखी हो जाएगी, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लोगों को रूटीन के काम काज में मदद मिलेगी, उनका जीवन आसान हो जाएगा। इसलिए अज मैं लोगों की जिंदगी को आसान बनाना मेरा ऐलान करने जा रहा। शायद ये पंजाब के इतिहास के विच सब तो बड़ा ऐलान होगा। केजरीवाल साहब की 49 दिन की सरकार बनी सी। आपको याद होगा दिल्ली में जब 49 दिन की केजरीवाल साहब की सरकार, कोई लोगों तो रिश्वत मांगता है अफसर कोई, अगर कोई भी लोगों से रिश्वत मांगता है अफसर तो उसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनको भेजी जाए। बिल्कुल खत्म हो गया इस पर काम करते हुए दिल्ली में भ्रष्टाचार को खत्म किया गया। यही वजह थी कि लोगों ने केजरीवाल को दिल्ली में बार बार बड़े बहुमत से जिताना शुरू किया जा रहे हैं। असी आने वाले कुछ दिनों च पंजाब के अंदर भी एहो जी हेल्पलाइन शुरू करांगे। 23 मार्च नूं शहीद आजम
23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिहाड़ा है, यानी शहीदी अवसर है। उस दिन एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा पूरे पंजाब दे विच, जेकर पूरे पंजाब में रिश्वत मांगता है, अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है उसको मना नहीं करना। आप उसका ऑडियो या वीडियो बनाकर आपने उस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है कि मेरा दफ्तर जेड़ा है वो एदी पड़ताल करूंगा। मेरा ऑफिस, मैं उस नंबर को खुद देखूंगा और तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कार्यभार संभालते ही पहली बड़ी घोषणा की, एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 23 मार्च से लागू होगा। कोई भी अगर घूस मांगे उसका वीडियो बनाए या ऑडियो बनाए और शिकायत दर्ज कराए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।